What is education credential assessment? And you don't know how to find the right assessment authority to file your ECA process. So here I'm Sudhanshu to discuss all about it. Welcome to ERA Immigration YouTube channel. Let's start. So आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स ऑल अबाउट द ECA प्रोसेस मींस एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट. कनाडा में पीआर अप्लाई करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि आपकी एजुकेशन कनाडा असेसमेंट अथॉरिटी में एलिजिबल होना जरूरी है. हम पीआर अप्लाई करने से पहले हमारा फोकस आईएलटीएस पे होता है, बट ये गलत है. पीआर अप्लाई करने के सबसे पहले आपको अपना एजुकेशन का अवैल्यूएशन कराना जरूरी है. एजुकेशन अवैल्यूएशन की जो वैलिडिटी वो 5 ईयर्स के लिए होती है और इसमें टोटल 6 अथॉरिटीज है. वो 6 अथॉरिटीज है, नंबर 1 WES दैट इज वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज, नंबर 2 IQAS दैट इज इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन असेसमेंट सर्विसेज, नंबर 3 ICES दैट इज इंटरनेशनल क्रेडेंशियल एजुकेशन सर्विसेज, नंबर 4 दैट इज ICAS दैट इज इंटरनेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट सर्विसेज MCC दैट इज नंबर 5 दैट इज मेडिकल काउंसिल ऑफ कैनेडा, एंड नंबर 6 विच इज अगेन द लेटेस्ट वन CES That is comparative education services. There are total 6 authorities. Without this, हम अपना process continue नहीं कर सकते. Hope कि आपके मैंने doubts जो हैं इससे related clear किए होंगे. अगर आपके उसके बारे में और जानना है, आप हमारे YouTube channel को subscribe करें, like करें और share करें. या फिर आप हमें हमारे hotline number पे call भी कर सकते हैं, which is 828-555-2527. और या फिर आप हमें विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, दैट इज www.eraimmigration.com. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे.